देखा जाए तो सैक्स लॉ को लेकर बहुत सारिया गल् होंगे ने वकील अमूमन ही दस देंगे ने की है बट देखा जाए अभी भी लोग प्रताड़ित नज़र आते हैं तो लगता है कि अजिही बुक की लड़ है। मैं अपने 35 साल के कैरियर से देखा इन्ने मतलब कुछ एक लॉज का इन्ना ज़्यादा मिसयूज है ये पुलिस को इन्नी अनहिंडर्ड पावर है जो आम आदमी को समझ ही नहीं है। बेसिकली देखा जाए कोई मुंडा कुड़ी आपकी सहमति ने नाल जाते हैं आपके रिलेशन बनाते हैं कि कोई कानून इस तरह का कहता है कि वो आखिरकार कानून के दायरे गलत है। किताब का पहला चैप्टर अंग्रेलियां बनाना वो इसे गलते है भी अगर एक मेजर लड़का 18 साल तो उपर लड़की और लड़का कितने भी जाते हैं होटल जान गैसट हाउस जान मोटल जान अपनी सहमति नालों अगर अपने संबंध बनाते हैं तो हैरानी होगी रंग रलिया बना का कोई कानून ही नहीं है कोई स्टैचूट ही नहीं है। हाँ मतलब 18 साल तो उपर अगर एक लड़का और एक लड़की हैगी है कोई कानून उन्होंने रोकता ही नहीं है। एक गल है बस वे भी वो अपना पता और अपने नाम अपने टेलीफोन नंबर ठीक लिखवा पुलिस फर्द नहीं पता की है जी 109 CRPC भी बंदा कोई ऑफेंस कमिट करने लिए अपनी आइडेंटिटी लुका रहा है तो शक्की हालात च घूम रहा है उन्होंने फट के अंदर कर देंगे। हूँ कोई भी विवाहित बंदा किसी भी विवाहित स्त्री रह सकता है वो ना कोई परचा दर्ज नहीं होएगा पर डैवो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है उस उससे डिवोर्स लिता जा सकता है। हूँ लिव इन च रही जाते हैं 2 साल बाद बंदा कहता यार मैं नहीं ब्याह करा लड़की उस रेप का मुकदमा दर्ज करा क्या मतलब है इस गल का जी बंद सारा ये डिस्कस किया गया जी। सैक्स ऑफेंसिज सब तो बड़ी गल है लोग ता नहीं बोलते भी यार लोगों को पता लग जू साडे परिवार से दिक्कत आ जू पत्नी दिक्कत आ जू समाज बच्चे लाभा कर रहे बस इस टैबू करके ही पुलिस सारा अपना सिस्टम चला। जज साहब थोड़ी कोई है इस तरह का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा कदम आया हो बंदा बच के जज साहब का धन्यवाद करके गया हो ठीक तो मैं कितने कितने चढ़ जाता पुलिस के भी तो समाजिक तौर नहीं मतलब एज एन जज ना जी साडिया भी बड़े हथ बन्ने पे होंगे असं ऐसे केसा के बस बरी ही कर सकते हैं पर जरा गिरफ्तारी का ट्रोमा है ट्रायल का ट्रोमा है वकीलों भी वो भुगतनी पैंती है साल डेढ़ साल भी थोड़ी ये बुक पढ़ के भी बंदे ने जो रखनिया मनाया ने तो वह बच सकता पुलिस के चलो देखे समाजिक तौर पर तो उन्हें आपने आप देखना है पर पुलिस के थ्रैट तो बच सकता पुलिस ही थ्रैट तो भी बच सकता है मतलब कानून कितने रोकता नहीं है। सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो ये बुक एक अज लॉन्च हुई हैगी तो बुक का मकसद बड़ा सोहना वो इस करके क्योंकि जे कही कि इन्होंने शब्दों को कहने वास्ते भी कोई शर्मिंदा हो जाता है पर नहीं सैक्स लॉ इन इंडिया इंडिया के जोड़े सैक्स लॉ ने उन्होंने लैके जो देखा जाए बहुत सारे लोग प्रताड़ित होंगे ने गे ये कोई दो राय नहीं हैगी पर समझ की लड़ है कि आखिरकार साडा कानून कहता की है। जस्टिस है ने संजीव जिंदल जी साढ़े नाल इन्होंने तो इन्हों बेटे ने बुक लिखी हैगी रिटायर जस्टिस ने गए उन्होंने गल करा कि आखिर की लोड़ है अजिही किताबों की तो इन सम पढ़ के की समझा जा सकता है। नमस्कार जी। हाँ जी सर सब देखा जाए तो सैक्स लॉ को लेकर बहुत सारिया गल् होंगे ने वकील अमूमन ही दस देंगे ने की है बट देखा जाए अभी भी लोग प्रताड़ित नज़र आते हैं तो लगता है कि अजिही बुक की लड़ है। सर इस बुक की सब तो वध लोड़ सी मैं अपने 35 साल के कैरियर से देखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फस्ट क्लास होया सी भर्ती तो एडिशन सैशन रिटायर हुए हैं इन्ने मतलब कुछ एक लॉज का इन्ना ज़्यादा मिसयूज है ये पुलिस को इन्नी अनहिंडर्ड पावर है भी आम आदमी को समझ ही नहीं हैगी है तो सैक्स लॉज के विचों बहुत ही ज़्यादा डोरी लॉज और सैक्स लॉज ये सब तो बद मतलब इन्हों का मिसयूज होया है। देखा जाए तुम जिमें आपकी लाइफ से भी देखा होना थोड़े को बहुत सारे केसिज आए होने है जिस तो बाद थोड़ा लग्या होना भी लोड़ होनी लोग कितने तक पहुँच जाते हैं यानी कि कई बार कहानी शुरू होती है कि एक मुंडा कुड़ी जाते हैं अपनी सहमति के नाल बाद रौला पै जाता है पुलिस को पहला वो वैसे लुटते हैं गे कई बार पैसे नाल भी तो कई बार वैसे भी उस तो बाद जो फिर कोर्ट के कटहरे च आ जाते हैं गे कई बार जो किस्मत चंकी हो बच जाते हैं तो नहीं बार कई बार उत्थे भी कितने ना कि जो कहा जाए कि उन्होंने जेल च बितानी पै जाती है। बेसिकली जो देखा जाए कोई मुंडा कुड़ी आपकी सहमति ने नाल जाते हैं आपके रिलेशन बनाते हैं की कोई कानून इस तरह का कहता है कि वो आखिरकार कानून के दायरे च गलत है। सर अपनी किताब का पहला चैप्टर अंग्रेलियां बनाना वो इसे गलते है भी अगर एक मेजर लड़का 18 साल तो उपर लड़की और लड़का कितने भी जाते हैं होटल जान गैसट हाउस जान मोटल जान अपनी सहमति नालों अगर अपने संबंध बनाते हैं तो आप अखबारों से रोज़ करते हो वो पुलिस को टिप ऑफ मिली भी और अंग्रेलियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रेड मारी मजिस्ट्रेट मूहरे पेश किया उन्होंने या अंदर करता है मुचलके से छड़ता हर दूजे तीजे दिन खबर होंगी है मेरी तुम हैरानी होगी रंग रलिया मना का कोई कानून ही नहीं है कोई स्टैचूट ही नहीं है। हाँ मतलब
18 साल तो उपर अगर एक लड़का और एक लड़की हैगी है, कोई कानून उन्होंने रोकता ही नहीं है। एक गल है बस वो भी वो अपना पता और अपने नाम अपने टेलीफोन नंबर ठीक लिखवान। पुलिस फड़ती पता की है जी 109 CRPC भी बंदा कोई ऑफेंस कमिट करने की अपनी आइडेंटिटी लुका रहा है तो शक्की हालात घूम रहा है उन्होंने फट के अंदर कर देंगे। जी गल तुम हूँ दसी है भी पुलिस आम करके फड़ती इस चाहे ये तो किसी को जिक्र ही नहीं होता, लोग तो डर जाते हैं भी कितने साडे घर दे उन्होंने पता लग। एग्जैक्टली ये पुलिस इस गल का जो मोरल टैबू है ना अपन भी समाज बेइज्जती हो जाऊगी घर वाली पता लग जूगा मुंडे की कहेंगे लांदा पाएंगे इन्हें बंद करके बंदा डर जाता है। पहले चैप्टर मैंने 5-6 सैक्शन दसी हैं भी जिहड़ियां पुलिस उस पुलिस अफसर से लागू होंदी जिहड़ा लेके जाता है रोंगफुल रिस्ट्रेंट रोंगफुल कन्फाइनमेंट मिलीशियस प्रोसीक्यूशन डिफेमेशन ये सारिया उससे लगती है उस 6-7 साल की सजा उन्होंने होंगी है बस। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਖੈਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 497 ਅਡਲਟਰੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੈਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ आदमी का किसी विवाहित लेडी के नाल संबंध है तो विवाहित लेडी का हसबेंड उस आदमी के खिलाफ कंप्लेट पा सकता सीगा तो वो 7 साल की सज़ा सी तो वूमेन ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा रौला पाया भी वो तो अपनी वो प्रो अच्छा जे किसी जो कि विवाहित बंदा किसी लेडी के नाल है उसकी वाइफ में राइट नहीं सीगा तो वूमेन ऑर्गेनाइजेशन ने रौला पाया भी ये तो अपनी प्रॉपर्टी समझ प्रॉपर्टी होगी जी वाइफ तो वो पति की भी या तो दोनों राइट तो या तुम दोनों वो तो राइट खोलो तो सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दी राइट खोलिया हुण कोई भी विवाहित बंदा किसी भी विवाहित स्त्री नाल रह सकदा उहदे नाल कोई परचा दर्ज नहीं होएगा पर वो डिवोर्स ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है उस उससे डिवोर्स लिता जा सकता है उस ग्राउंड ਅਟਰ ਜਾਵੇ ਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਮਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫੜਦੀ ਹੈ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਰੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਰੰਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲਿਵ ਇਨ ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਲੜਕੀ ਉਸ ਰੇਪ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ 109 'ਚ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਬਚਾਓ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲਿਜਾਊਗਾ ਰੋਂਗਫੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਔਰ ਰੋਂਗਫੁਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂ ਪਤਨੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂ ਸਮਾਜ ਬੱਚੇ ਲਾਭਾ ਕਰਨਗੇ ਬਸ ਇਸ ਟੈਬੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੌਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਾਓ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਦਿੱਕਤ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ।